करनाल के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं ध्वज फहराकर सभी को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं एवं अध्यापकों ने भाग लेकर भारत के गणतंत्र को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया। देखिए एक रिपोर्ट। आज इंडिपेंडेंस डे की पब्लिक डे की सभी को शुभकामनाएं। देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानियां दी और देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद भारत के हम आदिवासी हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने पोटियां दी उनको हम हमेशा याद करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज भारत को, भारत के संविधान को हमारे को बचाने के लिए संकल्प लेना होगा कि कुछ शक्तियां देश के अंदर, देश के बाहर से भारत को तोड़ने के लिए हमारे संविधान को तोड़कर भारत को फिर से एक ऐसी स्थिति पर लाना चाहती हैं ताकि हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं वो ना ले सकें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपको आज पब्लिक डे पे शुभकामनाएं और संकल्प लेते हैं कि देश को हम टूटने नहीं देंगे, संविधान को हम बचा कर रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो हर भारतवासी के हित में है। आज सिर्फ संकल्प लें कि हम संविधान को बचाएंगे और देश को टूटने नहीं देंगे, इसी संकल्प के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं मैम कल्पना जी का, आप सबका आभारी हूँ कि आपने आज यह एकत्रित हुए अपने देश के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं चाहूँगा गुरबख्श जी एक मिनट देंगे। स्कूल के मैनेजमेंट स्टाफ और बच्चों को 71वें रिपब्लिक डे पे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं। बाकी सर त्रिलोचन सिंह जैसे आपको बता रहे हैं, इस समय संविधान के प्रति जो संविधान हमें सौंपा गया था वो बहुत बढ़िया है। सभी लोग यहाँ अमन चैन और आज़ादी से रह रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए संकल्प की जो बात आई है हमें ये संकल्प लेना चाहिए और इसी पे काम करना चाहिए। हमारी देश के अंदर एकता बनी रहे। ये जो देश है ये सबका है, यही हमारी खूबी है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहेंगे तो हमें खुशबू आएगी। किसी एक के साथ भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा। तो जो हमारी ये खूबी है कि यहाँ सभी लोगों के, धर्मों के लोग अपनी धर्म की आज़ादी को मनाते हुए देश की प्रोग्रेस, देश की एकता, देश की तरक्की के लिए हम सभी काम करें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और तभी ये देश आगे बढ़ेगा जब यहाँ सभी को शांति से रहने का हक होगा। तो आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप बच्चों को एजुकेट करते हो, बच्चों को समझाते हो, यहीं से बच्चे सीख के, यही बच्चे आगे हमारा फ्यूचर है देश का। बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे निकलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है और बच्चों को यही समझाना है, यही सिखाना है
कि ये देश सभी का है और सभी को देश की तरक्की के लिए काम करना है, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, ये थोड़ा जल्दी भी है तो मैं JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।